तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि शिवसेना संजय राउत के घर ईडी ने छापेमारी की है और लगातार पूछताछ जारी है। उनसे पात्राचल घोटाले में लंबे समय से पूछताछ की जा रही है। वहीं उनके घर बाहर शिव सैनिक पुलिस सीआरपीएफ की बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया है, जो आप देख सकते हैं। और संजय राउत को अब बताया जा रहा है कि जैसे कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया और गहन पूछताछ ईडी लगातार केयर कर रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें।